वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। रोजाना की तरह मैं आपके सामने आ गया हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स लेकर। देश में कोरोना वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये वायरस भारतीय सेना में भी अपना असर दिखाने लगा है। ताज़ा मामला राजस्थान के जोधपुर से आया है, जहां BSF के 30 जवानों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी बीच BSF की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने और सैनिटाइजेशन के बाद उसका दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर अब दोबारा शुरू हो गया है। इसमें सभी ऑपरेशन ड्यूटी जारी रहेंगी। इसी के साथ अब देश में कोरोना पॉजिटिव BSF जवानों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। ये एक बड़ी खबर है। दरअसल 4 मई तक देश में कुल 67 BSF जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनमें सबसे ज्यादा 41 मामले दिल्ली से ही थे, जबकि त्रिपुरा में 24 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें BSF के परिजनों के 3 मामले अलग से हैं। कुछ अन्य राज्यों में भी BSF के जवान संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद ये लिस्ट बढ़कर 100 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 2,958 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि 126 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 1,694 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 49,391 लोग संक्रमित हैं। इनमें 33,514 एक्टिव केस हैं, जबकि 14,182 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां अब तक कुल 15,525 केस दर्ज हुए हैं, यानी पूरे देश के लगभग 30% संक्रमित मामले महाराष्ट्र से ही हैं। इसके अलावा देश में संक्रमण से हुई कुल मौतों में से 36% इसी राज्य से है। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, जहां कुल 6,245 केस हैं और 368 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 5,000 संक्रमित केस हैं और अब तक कुल 64 लोगों की जान जा चुकी है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 4,058 लोग संक्रमित हैं, वहीं 33 लोगों की मौत हुई है। पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना वायरस से 3,158 लोग संक्रमित हैं। यहां अब तक 89 लोग जान गंवा चुके हैं। इससे पहले रविवार से मंगलवार तक 72 घंटों में देश ने कोरोना वायरस से 350 लोगों की मौत हुई, वहीं 9,000 नए मरीज भी बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इसके पीछे पश्चिम बंगाल को जिम्मेदार ठहराया, जहां पिछले 24 घंटे में 98 मौतें और 296 नए केस दर्ज किए गए। निश्चित रूप से महाराष्ट्र भारत के उन प्रांतों में से एक है जो हम सबके लिए भी थोड़ा सा ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 36 हमारे जिलों में से 34 जिले जो है वो कोरोना के प्रकोप से प्रभावित हैं। 14,541 केस हो चुके हैं, 583 मृत्यु हो चुकी है। और खासकर पहले भी हमने फॉलो किया था, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और शोलापुर, ये हम लोगों के लिए इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इलाके थोड़ा ज़्यादा विशेष चिंता का कारण बने हुए हैं। इस बात का संतोष है कि दो ज़िले गढ़चिरौली और वारधा ये अभी भी हमारे प्रभावित नहीं हुए हैं। मैंने जैसा देखा कि गोंडिया और उस्मानाबाद, यहाँ पर पिछले 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। इसी तरह से बीड में भी पिछले 21 दिन से कोई भी केस नहीं आया है, और अहमदनगर और भंडारा में पिछले 7 दिन से कोई केस नहीं आया है। हमें अंततोगत्वा उस स्थिति में पहुंचना है जब हमारे सारे जिले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे और वहां पर 21 दिन 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा। इस बीच हरियाणा से एक ऐसी खबर आई है जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित एक युवक ने अपनी मौत से कुछ देर पहले एक महिला को दांत से काट लिया। ये घटना हरियाणा के पानीपत की है। हैरानी की बात यह भी है कि वो युवक कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद दिल्ली से पानीपत पहुंच गया था। केंद्र सरकार, यूपी और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक ने भी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर BS येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य कर्मचारियों को जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान रोक दिया है।
इससे सूबे के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा है। उधर इटली की एक मेडिकल कंपनी का दावा है कि उसे कोरोना वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन बनाने में सफलता मिल गई है। इटालियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक रोम के संक्रामक रोग स्पेलन जानी अस्पताल में किए गए परीक्षणों के अनुसार वैक्सीन के जरिए चूहों में एंटीबॉडी बनाई गई है और इसका असर मानव कोशिकाओं पर भी होता है। गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही इसराइल ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। अब हम पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हालात से रूबरू होते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 37,26,668 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,58,295 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,41,908 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। रूस में लगातार चौथे दिन संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहाँ 1,65,929 मरीज हो गए हैं। उधर नेपाल कैबिनेट ने देश में 18 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ 12,37,761 लोग इन्फेक्टेड हैं, वहीं 72,275 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्पेन में 2,50,561 लोग कोरोना वायरस की चपेट में है, यहाँ 25,613 लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,13,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 29,315 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 1,94,990 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, यहाँ 29,427 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में 1,70,551 लोग खौफनाक कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, वहीं 25,631 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में 1,67,007 लोग इन्फेक्टेड हैं, यहाँ 6,993 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में 1,65,929 लोग संक्रमित हैं, यहाँ 1,537 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तुर्की में संक्रमितों का आंकड़ा 1,29,491 पहुंच चुका है, यहाँ 3,520 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राजील में भी 1,15,953 लोग इन्फेक्टेड हैं, यहाँ 7,958 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस लील चुका है। ईरान में 99,970 लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, वहीं 6,340 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।